वेलकम बैक टू अवर चैनल गाइस। तो हमने लास्ट लेक्चर में सिंगल इनहेरिटेंस को बहुत अच्छे से समझ लिया था, आज हम जानेंगे कि मल्टीपल इनहेरिटेंस क्या होता है। तो चलिए बिना देरी के यहाँ पर बनाते हैं पाइथन की एक नई फाइल और इस फाइल का नाम रखेंगे एटीट्यूड 61, क्योंकि इस सीरीज का ये हमारा 61 लेक्चर है। और यहाँ पर जो पुरानी क्लास का कोड है इसको यहाँ से हम कर लेंगे कॉपी और नई क्लास में लाएंगे, क्योंकि हम इस कोड का रीयूज करेंगे, ठीक है। और ये हमारा प्रोग्राम थोड़ा बड़ा हो चुका है तो यहाँ से ये क्लास प्रोग्रामर को हम रिमूव करेंगे, क्योंकि इसका कोई काम नहीं है। इसके कुछ हमने ऑब्जेक्ट प्रिपेयर किया, इसको भी थोड़ा यहाँ से रिमूव कर देते हैं। देखिए हमारा कोड थोड़ा शॉर्ट और सिंपल सा दिख रहा है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के ऊपर ये हमारा 8th लेक्चर है, तो इसको भी थोड़ा मॉडिफाई करते हैं। अब फिलहाल में हमारे प्रोग्राम में एक क्लास इम्प्लॉई है जिसके खुद का एक कंस्ट्रक्टर है, खुद के कुछ मेथड है, कुछ फंक्शन डिफाइन किए हैं, ठीक है। देन इसी क्लास के हमारे पास दो ऑब्जेक्ट है, अजय और दीपक। अब ये मान लीजिए आपका एक प्रोजेक्ट है, अब प्रोजेक्ट में कल को आपके पास एक रिक्वायरमेंट आई कि आपको एक नई क्लास बनाना है, तो आप बना सकते हो क्योंकि ये तो आपने सीख लिया। तो मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, सॉरी यहाँ पर एक क्लास बनाता हूँ, ठीक है। अब ये क्लास का नाम आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से कुछ भी हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल आप एक प्लेयर नाम से क्लास बनाते हो, ठीक है। अब ये प्लेयर नाम की क्लास जैसा आपने ऊपर एम्प्लॉय नाम की क्लास बनाई थी, देखिए मैं आपको बताता हूँ, सेम एम्प्लॉय नाम की क्लास जैसे आप प्लेयर नाम की क्लास बना रहे हो तो उसका खुद का एक वेरिएबल हो सकता है, खुद का कंस्ट्रक्टर हो सकता है, खुद का एक पर्सनल फंक्शन हो सकता है। तो ये चीजें हम यहाँ पर भी डिफाइन कर सकते हैं, क्योंकि ये क्लास इम्प्लॉय को इनहेरिट नहीं कर रही है, ये अलग से एक क्लास है, ठीक है। जैसे कि क्लास इम्प्लॉय है सेम एज इट इज, ये अलग से एक क्लास है। तो फॉर एग्जाम्पल अगर वो प्लेयर है तो उसके हम नंबर ऑफ गेम्स बना सकते हैं, तो हम यहाँ पर लिखेंगे नंबर ऑफ गेम्स, ठीक है। नंबर ऑफ गेम्स नाम से एक वेरिएबल बनाता है जिसमें 6 स्टोर कर देता है। अब ये क्लास इसका खुद का पर्सनल कुछ डेटा रखते हैं, फॉर एग्जाम्पल इसका खुद का एक कंस्ट्रक्टर भी हो सकता है। तो मैं यहाँ पर डिफाइन करके आपको बताता हूँ, मान लीजिए डिफाइन अंडरस्कोर अंडरस्कोर इनिट, और ये सेल्फ ऑटोमेटिक आ जाएगा, ये आपको पता ही है। फॉर एग्जाम्पल अगर वो प्लेयर है तो उसका कुछ नाम होगा तो हम यहाँ उसका नाम ले लेंगे, और अगर वो प्लेयर है तो किसी गेम को भी परफॉर्म करता होगा तो हम उसका एक गेम ले लेंगे, ठीक है। अब इसको हमें कंस्ट्रक्टर में सेट करना होगा, तो कैसे सेट करते हैं, सेल्फ डॉट, सॉरी मैंने इंटर कर दिया, सेल्फ डॉट उसका नाम इक्वल टू नेम, ठीक है। और अगेन उसका गेम भी सेट करना है तो सेल्फ डॉट उसका गेम इक्वल टू गेम, ठीक है। ये दो डिटेल हमने उसकी ली और उसको सेट कर दिया, ठीक है। अब ये क्लास अपना कुछ फंक्शन भी स्टोर कर सकती है, फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एक फंक्शन है प्रिंट डिटेल नाम का, उसको हम यहाँ पर रीयूज करेंगे, ठीक है। तो हम इसको यहाँ से कर लेंगे कॉपी और यहाँ पर ले आएंगे, ठीक है, हमारी क्लास प्लेयर में। तो इसको हम यहाँ पर पेस्ट कर देंगे। अब हमारा ये क्लास प्लेयर का एक फंक्शन बन चुका है प्रिंट डिटेल नाम से, लेकिन यहाँ पर थोड़ा मॉडिफाई करना होगा आपको। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि यहाँ पर हम उसकी सैलरी नहीं ले रहे, हम उसका गेम ले रहे, तो हम यहाँ पर लिख देंगे गेम इज, और यहाँ पर भी मॉडिफाई करेंगे, क्या लिखना है, सेल्फ डॉट उसका गेम, और ये यहाँ पर उसका रोल तो है ही नहीं, तो इसको यहाँ से हम रिमूव कर देते हैं क्योंकि इसका बिल्कुल अभी हमें काम नहीं है, ठीक है। तो देखिए हमारे एक क्लास प्लेयर प्रिपेयर हो चुकी है जिसका एक वेरिएबल है, उसका खुद का एक कंस्ट्रक्टर है, और उसका खुद का एक फंक्शन है जो उसके डिटेल्स को प्रिंट करता है। अब अभी तक आपके पास दो क्लास है, एक क्लास प्लेयर है और एक क्लास इम्प्लॉय है। मान लीजिए आपके पास एक बंदा है जो आपकी कंपनी में इम्प्लॉय है, ठीक है, तो वह आपकी इम्प्लॉय क्लास का डेटा एक्सेस करेगा। अब आपके पास एक और बंदा है या लड़का है, स्टूडेंट है जो भी, वो प्लेयर है तो आपकी प्लेयर क्लास का डेटा एक्सेस करेगा। लेकिन आपके पास एक तीसरा बंदा है जो आपकी कंपनी में इम्प्लॉय भी है और किसी गेम को भी परफॉर्म करता है, वो दोनों काम कर रहे हैं गाइस, तो ठीक है हम यहाँ पर एक नई क्लास बनाएंगे उसको देखने के लिए। तो हम मान लीजिए मैं यहाँ पर एक क्लास बनाता हूँ, अब देखिए वो आपकी कंपनी में इम्प्लॉय भी है और आपके यहाँ जो गेम खेले जाते हैं, फॉर एग्जाम्पल जैसे कंपनीज में छुट्टी होती है इवनिंग में या कभी भी, तो आप वहां पर कुछ गेम परफॉर्म करवाते हो अपने इम्प्लॉयज को, उसी तरह से आपके कंपनी में इम्प्लॉय जो किसी गेम को भी परफॉर्म करता है, तो वो क्या है, वो एक कूल प्रोग्रामर है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, एक कूल प्रोग्रामर नाम से क्लास बनाएंगे, ठीक है। अब ये कूल प्रोग्रामर जो है ना, वो आपकी इम्प्लॉय क्लास की डिटेल को भी एक्सेस कर सकता है और आपकी प्लेयर क्लास की डिटेल्स को भी एक्सेस कर सकता है। तो मैं यहाँ पर लिखूंगा उसको इम्प्लॉय क्लास भी पास कर दूंगा, ठीक है। देन सेकंड आर्गुमेंट हम उसको देंगे प्लेयर क्लास। अब ये क्या कर रहा है, एक टाइम पर, जैसे कि हमने लास्ट लेक्चर में देखा था सिंगल इनहेरिटेंस में, वो एक टाइम पर एक क्लास को एक्सेस कर सकता था लेकिन, या इनहेरिट कर सकता था, लेकिन यहाँ पर जो कुल प्रोग्रामर नाम का बंदा है या स्टूडेंट है या जो भी है आपका, आप आपके हिसाब से एग्जाम्पल ले सकते हो, लेकिन वो एक टाइम पर दो क्लास को इनहेरिट कर रहा है या एक्सेस कर रहा है, तो यही होता है मल्टीपल इनहेरिटेंस, कि आप एक टाइम पर मल्टीपल
क्लासेस को एक्सेस कर सकते हो। ठीक है, तो हम इस क्लास के अंदर कुछ इसके खुद के वेरिएबल बना सकते हैं, बिल्कुल बना सकते हो। फॉर एग्जांपल अगर वो कुल प्रोग्रामर है तो किसी लैंग्वेज का यूज करता हो तो मैं यहां पर लैंग्वेज नाम से एक वेरिएबल बनाता हूं और उसमें उसकी लैंग्वेज स्टोर कर देता हूं। फॉर एग्जांपल वो C++ का यूज करता है। ठीक है, अब इस क्लास का खुद का एक फंक्शन हो सकता है। मान लीजिए एक फंक्शन हमने यहां पर डिफाइन किया है कुल प्रोग्रामर के अंदर जो उसकी लैंग्वेज को प्रिंट कर रहा है। तो ठीक है, मैं यहां पर बना ही देता हूं आपको, आपको ज्यादा सोचने के पे मजबूर नहीं करूंगा। मैं यहां पर लिखता हूं प्रिंट लैंग्वेज नाम से एक फंक्शन और ये सेल्फ ऑटोमेटिक ले लेगा और ये ज्यादा कुछ नहीं कर रहा है, सिंपल एक प्रिंट स्टेटमेंट दे रहा है और सेल्फ की मदद से हम कैसे प्रिंट करते हैं ये आप जान चुके होंगे, सेल्फ डॉट उसकी लैंग्वेज का नाम लैंग्वेज। ठीक है, अब देखिए कुल प्रोग्रामर नाम का एक इम्प्लॉई है जो इम्प्लॉई भी है और एक गेम को परफॉर्म भी करता है। अब यहां पर हमने अभी फिलहाल में दो ऑब्जेक्ट बनाए जो ऑब्जेक्ट इम्प्लॉय क्लास के हैं, ना कि क्लास प्लेयर के हैं ना ही क्लास प्रोग्रामर के हैं, तो हमें इनके भी ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेंगे वरना ये बुरा मान जाएंगे। तो हम यहां पर क्या करते हैं, मान लीजिए एक शुभम नाम का, शुभम, ठीक है, शुभम की स्पेलिंग में भूल गया था अभी, जस्ट अभी याद है। ठीक है, ये क्या है, प्लेयर नाम का ऑब्जेक्ट है तो हम इसको प्लेयर क्लास दे देंगे। अब प्लेयर क्लास एज आर्गुमेंट आपसे क्या लेगी, उसका नाम और उसका गेम, तो हम यहां पर पास कर देंगे उसका नाम क्या है, शुभम, शुभम, सॉरी यहां पर डबल कोट्स बंद करेंगे, और उसका गेम। अब देखिए गेम में आप डायरेक्ट लिस्ट भी पास कर सकते हो, मतलब लिस्ट के अंदर एक गेम, दो गेम, चार गेम भी पास कर सकते हो एक टाइम पर। वो कैसे, लास्ट क्लास में वो आपको मैं एक्सप्लेन कर चुका हूं, अगेन यहां पर एक्सप्लेन करके बोर नहीं करूंगा। और हम यहां पर गेम में क्रिकेट पास कर देंगे, क्यों, क्योंकि इंडिया में क्रिकेट के लिए लोग क्रेजी है, इसलिए मैंने यहां पर क्रिकेट लिखा है, वरना मैं फुटबॉल भी लिख सकता था। ठीक है, अब ये जो प्लेयर क्लास का ऑब्जेक्ट है शुभम, ठीक है, तो हमें यहां पर एक कुल प्रोग्रामर नाम का ऑब्जेक्ट भी बनाना पड़ेगा क्योंकि क्लास कुल प्रोग्रामर वरना बुरा मान जाएगी। तो हम यहां पर एक करण नाम का ऑब्जेक्ट बनाते हैं। ठीक है, और ये ऑब्जेक्ट है कुल प्रोग्रामर का। ठीक है, अब कुल प्रोग्रामर आपसे क्या ले रही है, कुछ भी नहीं ले रही है, मारेगी आपको अगर आप कुछ दोगे तो, क्यों, क्योंकि कुल प्रोग्रामर में आपने कंस्ट्रक्टर बनाया नहीं। अब बनाया नहीं तो वो आपसे लेगा क्या। तो ठीक है, मैं आपको रन करके दिखाता हूं कि ये आपको रन करने के बाद थप्पड़ मारता है या नहीं। देखिए ये बोल रहा है कि मिसिंग थी रिक्वायरमेंट पोजिशनल आर्गुमेंट नेम सैलरी और रोल, लेकिन आपने कुल प्रोग्रामर में नाम सैलरी और रोल के लिए एक कंस्ट्रक्टर बनाया नहीं तो वो मांग क्यों रहा है। देखिए ये क्या करता है, ये क्लास इंप्लॉय में जाएगा और वहां पर चेक करेगा कि वहां पर कंस्ट्रक्टर सेट किया है या नहीं। अगर आपने सेट किया है तो उसमें चेक करेगा कि आपको क्या क्या चाहिए। अब उसको चाहिए नाम सैलरी और रोल नंबर, लेकिन आपने तो दिया नहीं ना, तो ठीक है आपको देना पड़ेगा। तो ठीक है हम यहां पर उसको दे देंगे, फॉर एग्जाम्पल उसका नाम, और वो कुल प्रोग्रामर है ना, तो उसको 999 दे देते हैं सैलरी, 999 कॉमा करके उसका रोल, तो वो क्या है, कुल प्रोग्रामर है। ठीक है, तो हम इसको यहां पर लिख देंगे कुल प्रोग्रामर। ठीक है, कुल प्रोग्रामर है, लेकिन अब आप चाहते हो कि करण की डिटेल को आप प्रिंट करो। ठीक है, तो मैं यहां पर लिख सकता हूं करण डॉट प्रिंट डिटेल्स, प्रिंट डिटेल्स। ठीक है, अब आप यहां पर प्रिंट कर सकते हो, लेकिन मैं आपको लास्ट लेक्चर में बता चुका हूं कि ये आपको एक ऑब्जेक्ट रिटर्न करेगा जिसको आपको कहीं ना कहीं स्टोर करना होगा, देन आप उसको प्रिंट कर सकते हो। ये बार बार मैं आपको बताता जा रहा हूं। ठीक है, अब आप इसको प्रिंट कर सकते हो बिल्कुल। देखिए मैं इसको रन करता हूं, रन रन रन, देखिए नेम इज करण, सैलरी इज 999, रोल इज कुल प्रोग्रामर। बहुत बढ़िया, मतलब आपकी जो क्लास कुल प्रोग्रामर है वो एक टाइप पर दो क्लासेस को इनहेरिट कर रही है, यही होता है मल्टीपल इनहेरिटेंस। तो आई होप कि आपको ये समझ में आएगा, लेकिन अब मैं समझाता हूं इसका ऑर्डर, मतलब मल्टीपल इनहेरिटेंस काम कैसे करता है। फॉर एग्जाम्पल अब मान लीजिए कि कुल प्रोग्रामर नाम की एक क्लास है जिसमें आपके पास एक वेरिएबल है, फॉर एग्जाम्पल वेयर नाम से एक वेरिएबल है जिसमें कुछ वैल्यू स्टोर की है, फॉर एग्जाम्पल आपने लिखा है 6। ठीक है, अब ऊपर जाइए क्लास प्लेयर में भी सेम नाम का वेरिएबल बनाइए, वॉर 7, वहां 6 लिया ना, यहां पर 7 ले लेता है। ठीक है, और क्लास इंप्लॉय में भी एक वॉर नाम का वेरिएबल बना दीजिए, उसकी वैल्यू आप ले लीजिए 8। अब देखिए मैं इसको ऑर्डर आपको समझाता हूं कि ये जो मल्टीपल इनहेरिटेंस है ये कैसे वर्क करता है। ठीक है, तो हम यहां पर क्या करेंगे, प्रिंट करेंगे, तो हम ये फिलहाल में ये जो प्रिंट स्टेटमेंट है इसको कॉपी करेंगे और प्रिंट करेंगे करण का वॉर, तो करण डॉट सॉरी कॉमा नहीं वॉर। ठीक है, अब देखिए ये कहां से आपको वैल्यू लाके देना है। देखिए आपने
इस क्लास के अंदर ग्लूल प्रोग्रामर के अंदर दो क्लासेस को इनहेरिट किया, मतलब ये ओवरऑल तीन क्लासेस हैं टोटल। देखिए फिलहाल में अगर आप काउंट करेंगे तो एम्प्लॉय, प्लेयर और खुद एक कुल प्रोग्रामर, मतलब टोटल ये तीन क्लासेस हैं। लेकिन तीन क्लासेस में से तीनों क्लासेस में आपने वॉर नाम का वेरिएबल डिफाइन किया है, ठीक है, उनकी वैल्यूज अलग अलग है लेकिन वेरिएबल का नाम तो सेम ही है ना। तो ये कुल प्रोग्रामर से लाकर आपको कहां से डेटा देगा ये आपको चेक करना है, मतलब मल्टीपल इनहेरिटेंस वर्क कैसे करता है। तो मैं आपको रन करके दिखा देता हूं पहले एक बार, देन आपको मौखिक एक्सप्लेन कर दूंगा। देखिए ये सिक्स लाया, अब हुआ क्या, ये जब जाएगा, मैं आपको डायरेक्टली समझाता हूं, जब कभी भी आप किसी ऑब्जेक्ट के थ्रू किसी क्लास से डिटेल गेट करने की कोशिश करते हो तो वो फर्स्टली चेक करेगा खुद के अंदर। खुद के अंदर मतलब जिस क्लास का वो ऑब्जेक्ट है उसी क्लास में पहले चेक करेगा। अब ये गया यहां पर खुद के अंदर, मतलब ये ऑब्जेक्ट किस क्लास का है, करण, कुल प्रोग्रामर का, तो ये गया कुल प्रोग्रामर नामक क्लास में। इस क्लास में इसने चेक किया कि वॉर नाम का वेरिएबल है तो उसने सिक्स रिटर्न कर दिया, जैसा कि अभी आप आउटपुट स्क्रीन पर देख रहे थे। देखिए ये सिक्स रिटर्न कर रहा है, लेकिन अगर मान लीजिए कि कुल प्रोग्रामर में वॉर नाम का वेरिएबल होता नहीं तो मैं ऐसे इसको रिमूव करता हूं। अब ये आपको कहां से लाकर देगा, तो मैं अगेन आपको रन करके समझाऊंगा। ये देगा आपको एट, देखिए ये एट कहां से आया, इम्प्लॉय क्लास से, यहां से देखिए इम्प्लॉय क्लास से। ऐसा क्यों हुआ, ये क्लास प्लेयर से क्यों नहीं लाया, देखिए यहां पे तो हमने डिफाइन किया, यहां से क्यों नहीं लाया। देखिए होता क्या है, जैसे मैंने आपको समझाया कि जिस क्लास का ऑब्जेक्ट होता है उस क्लास में फर्स्टली वो जाकर चेक करेगा, मतलब कुल प्रोग्रामर में, यहां पर उसको नहीं मिला, देन वो जाएगा क्लास इम्प्लॉय में। प्लेयर में क्यों नहीं जाएगा, क्योंकि आपने यहां पर प्लेयर क्लास पहले पास नहीं किए। अगर आप यहां पर प्लेयर क्लास जो है वो फर्स्टली यहां पर पास करते हैं तो वो फर्स्टली जाता प्लेयर क्लास में, लेकिन अब वो फर्स्टली जाएगा इम्प्लॉय क्लास में और चेक करेगा। अगर मैं इम्प्लॉय क्लास से भी वॉर नाम का जो वेरिएबल है इसको यहां से रिमूव कर दूं तो अब जाएगा ये प्लेयर नामक क्लास में और वहां से आपको डेटा लाकर देगा। देखिए ये सेवन रिटर्न कर रहा। तो आई होप कि आप मल्टीपल इनहेरिटेंस को और उसकी जो प्रोसेस है कैसे वो काम करता है वो समझ पाए होंगे, ठीक है। और यहां पर आप अलग अलग मॉडिफाई कर सकते हो, जैसे हमने सिंगल इनहेरिटेंस में आपको जो लिस्ट है वो कैसे आप, जैसे हमने यहीं पर आपको बता दिया ना डबल भी, यहां पर आप क्रिकेट कॉमा करके आप यहां पर फुटबॉल सेंड कर सकते हो, मैं यहां पर लिखता हूं फुटबॉल। तो आप मल्टीपल गेम्स, मतलब एक आर्गुमेंट में आप किसी लिस्ट को भी पास कर सकते हो। ये आपने आपको लास्ट लेक्चर में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया था, अगेन आपको मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर रहा हूं। और अगर आपने इस चैनल की इस प्लेलिस्ट को पाइथन ट्यूटोरियल्स फॉर एब्सोल्यूट बिगिनर्स इन हिंदी को एक्सेस नहीं किया तो गाइस काइंडली इस प्लेलिस्ट को एक्सेस कर लीजिए। इस सीरीज को हमने बहुत बेसिक लेवल से स्टार्ट किया था और अभी तो बहुत एडवांस लेवल पर आ चुके हैं और आगे और एडवांस लेवल पर जाएंगे और पाइथन को पूरी तरह से यहां पर कवर करेंगे। तो आपको ये चीजें समझना होगी और आपको एक एक चीज यहां पर सिखाई जा रही है जिसको आपको लर्न करना है और अपनी स्किल्स को इम्प्रूव करना है। तो इस वीडियो में इतना ही, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड आई विल सी यू इन नेक्स्ट वीडियो गाइस।